बीए प्रोडक्शन के मौजूद नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं बिलाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमास ने इसराइल में तबाही मचाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें कहा गया कि मुकम्मल इसराइल की तबाही तक हमास जंग बंदी नहीं करेगा और अगर अमेरिका या कोई और मुल्क इस जंग में इसराइल की मदद को आया तो उसका हाल भी इसराइल जैसा होगा। नाज़रीन ग्रामी, हमास ने ईरान के साथ मिलकर इतने मिसाइल बरसाए कि इसराइल की कई बड़ी इमारतें और फौजी कैंप्स तबाह हो चुके हैं। अब इसराइल का घुटने टेकने का वक्त आ चुका है जबकि ईरान भी अब मुसलसल इसराइल पर मिसाइल बरसा रहा है। ईरान ने टारगेट दिया कि अगले चंद दिनों में इसराइल भिखारी की तरह गिर गिराएगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने हमास को लीड करते हुए ऐसा इसराइल को घेरा है कि अब इसराइल चारों तरफ से कुत्ते की तरह पीट रहा है। आखिर हमास ने ऐसा बयान क्यों दिया है कि इसराइल को तबाह किए बगैर हमास जंग बंदी नहीं करेगा? इसके पीछे मिस्र है। मिस्र ना तो खुद फलस्तीन का साथ दे रहा है बल्कि हमास पर दबाव डाल रहा है कि जंग बंदी करो, लेकिन हमास ने अब ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमले पहले से भी तेज कर दिए हैं और वादे किया है कि अब इसराइल को तबाह किए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज बहिंदाबाद का नारा भी लगा दें। और हमारे चैनल बीए प्रोडक्शन पर नया आने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें।